संबोधन करें माननीय गृह मंत्री श्री। सबसे पहले पूजनीय प्रमुख स्वामी महाराज की दिव्य स्मृति को प्रणाम करकर मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आज के जन्म जयंती समारोह में मंच पर उपस्थित परम पूजनीय महंत स्वामी, पूजनीय डॉक्टर स्वामी, पूजनीय कोठारी स्वामी, पूजनीय ईश्वर स्वामी, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री डीवाई पाटिल जी, श्री बीआर सेट्टी जी, श्री विजय पाटिल जी और हजारों हजारों की संख्या में आज जिन्होंने हम सबके जीवन में कहीं न कहीं एक दीप जलाने का काम किया है, ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज के जन्मतिथि पर एकत्रित आए हुए सभी सत्संगीगण और संतगण, आप सभी को जय स्वामीनारायण। आज पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म जयंती के दिन ऐतिहासिक स्टेडियम के अंदर जिस बड़ी संख्या में मुंबई जैसे शहर में रात्रि के समय 50,000 से ज़्यादा सत्संगी यहाँ पर उपस्थित है, यही बताता है कि प्रमुख स्वामी महाराज के हमारे जीवन में क्या महत्व है और कितने उपकार। एक लंबे साधु जीवन के द्वारा जीर्ण शीर्ण होती संन्यास्त और साधु जीवन के प्रति लोक श्रद्धा को एक लंबी आयु देने का सबसे अविस्मरणीय काम अगर किसी ने किया है तो प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज अपने साधु जीवन के माध्यम से एक भी शब्द बोले बगैर अपने कर्तृत्व भाव से न केवल भारत, पूरी दुनिया के अंदर अनूठी हमारी साधु परंपरा, हमारी सन्यास परंपरा को फिर से पुनः गौरवान्वित करकर एक ऐसा जीवन जीकर चले गए जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में शांति, विश्वास, भक्ति और सद्भावना का एक दीप प्रकट किया। आज पूरा जीवन उन्होंने बाप्स के माध्यम से हजारों सन्यासियों की, साधुओं की एक बड़ी कर्मठ फौज खड़ी कर सालों तक देश और दुनिया के अंदर तमाम प्रकार के नकारात्मक भावों को दूर कर उज्ज्वलता के साथ आगे बढ़ने का संदेश देने का प्रमुख स्वामी महाराज का ये योगदान पूरी दुनिया बड़ी श्रद्धा के साथ याद करती है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो 17,000 से ज़्यादा गांवों में विचरण कर निस्वार्थ भाव से अनेक अनेक जीवनों की समस्याओं का समाधान करते हुए आज ऐसी परंपरा की निर्मिति कर वो गए हैं, सदियों तक ये परंपरा देश और दुनिया का कल्याण करती रही। मित्रों, हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कितना भी बड़ा हो मगर वो धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है और पूरा का पूरा जीवन प्रयास करते करते गुजर जाता है मगर धर्म का मर्म मालूम नहीं पड़ता है। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन से उन्होंने बहुत लंबे चौड़े प्रवचन करे बगैर अपने कार्य से, अपने कर्तृत्व से धर्म का मर्म समझाया कि लघु से गुरु होना, छोटी सोच से बड़ी सोच करना ही धर्म है। स्व की जगह पर की चिंता करना, खुद की जगह समाज की, देश की चिंता करना, यही धर्म है और व्यक्ति को समष्टि के अंदर विलोपित करना, यही धर्म है। ये तीनों संदेश अपने जीवन में एक शब्द बोले बगैर प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने कर्तृत्व से देने का प्रयास किया। 1100 से अधिक मंदिर पूरी दुनिया के अंदर फैलाकर हिंदू संस्कृति का ध्वज
पूरी दुनिया में फहराने का प्रयास और पूरी दुनिया में के हिंदू संस्कृति का वसुदेव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम प्रमुख स्वामी महाराज ने किया। 55,000 से ज़्यादा युवा, लगभग 1,20,00,000 घंटे से ज़्यादा समय आज समाज के लिए देने का काम प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा से कर चुके हैं। मैं नहीं मानता कि संसार पर किसी एक व्यक्ति ने 55,000 से ज़्यादा युवाओं को अपने उत्तम समय में से, जीवन के अपने उत्तम समय में से 1,20,00,000 घंटे समाज के लिए देने के लिए प्रेरित किया होगा। शायद ये प्रमुख स्वामी महाराज ही कर सकते हैं। 3,300 से ज़्यादा सत्संग केंद्र चलाकर लोगों को धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए, एक हमेशा के लिए समाज के अंदर ऊर्जा स्थान, चेतना स्थान बनाने का काम किया। चाहे बाल सभा हो, चाहे रवि सभा हो, कई प्रकार के उपक्रमों के माध्यम से व्यसन मुक्ति से समाज सेवा तक की सभी चीजें, ये जो सत्संग केंद्र बने वो आज समाज का चेतना स्थान और ऊर्जा स्थान बने हुए हैं। लगभग 6,30,000 से ज़्यादा सत्संग सभाएं उनके एक जीवन के अंदर हुई। एक व्यक्ति की प्रेरणा से एक मानव जीवन में 6,30,000 से ज़्यादा सत्संग सभाएं होना, मैं मानता हूँ शायद बाप्स रिकॉर्ड का प्रयास नहीं करता होगा, मगर बाप्स अगर रिकॉर्ड का प्रयास करता होगा तो अपने माने में एक विशिष्ट प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाता होगा। 31 से ज़्यादा शिक्षा संधान और पर्यावरण, जल संचय, बाढ़ और बाकी सारी कुदरती आपदाओं में पुनर्वसन के काम, 800 से ज़्यादा वनवासी जिलों के अंदर सेवा कार्य और वनवासी के जीवन के अंदर धर्म की ज्योत जगाने का काम, व्यसन मुक्ति, साक्षरता अभियान, साहित्य निर्माण और पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति का संदेश देने वाला अक्षरधाम का निर्माण, ये सारा अगर एक जीवन के अंदर करना है तो शायद ये असंभव है जो प्रमुख स्वामी महाराज ने एक जीवन के अंदर कर दिखाया है। मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव, शायद ही किसी के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए होंगे। ईश्वर ने हमेशा मुझे अच्छे और बुरे दोनों स्थितियों में जीने के लिए प्रेरणा भी दी और हौसला भी बढ़ाया, परंतु ईश्वर तो कभी न कभी किसी के माध्यम से ही करते हैं। मेरा अनुभव है मेरे जीवन में जब भी संकट आया, सबसे पहला फोन मुझ पर प्रमुख स्वामी महाराज का आया और हमेशा एक वाक्य उनका रहता था, बधु सारू थे जैसे ईश्वर पर चिंता छोड़ी दे, श्रीजी पर चिंता छोड़ी दे, और वो वाक्य मुझे फिर से एक बार संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता था, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता था और विजयी होने का संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता था। मेरे जैसे कई लोगों के जीवन के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज के अनगिनत उपकार हैं। आज प्रमुख स्वामी महाराज तो हम सबके बीच में नहीं हैं, मगर उनका जीवन, उनका संदेश और बाप संस्था के माध्यम से उनकी बनाई हुई सैकड़ों साधुओं की टोली आज समाज के अंदर वही काम कर रही है, विनम्रता के साथ कर रही है जो प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया। आज उनकी 98वीं जन्म जयंती के अवसर पर जीवन के 5 बड़े हर्डल्स जो है, हमारे जीवन को रोकने वाले जो चीज़ें हैं, इनसे कैसे मुक्ति पानी चाहिए, आज इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण संस्था ने किया है। मैं पूज्य महंत स्वामी के नेतृत्व में जिन सभी संतों ने इसको तैयार किया है उनको अनेक अनेक साधुवाद देता हूँ, अनेक अनेक अभिनंदन करता हूँ और फिर से एक बार प्रमुख स्वामी महाराज की दिव्य आत्मा को प्रार्थना करता हूँ कि समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर जो सद्भाव पड़ा है उसको आशीर्वाद भी दीजिए, गति भी दीजिए और आपके
कल्पना का विश्व बनाने की दिशा में ये सभी लोग एक दिशा के अंदर काम करें, ऐसी प्रेरणा भी दीजिए। सबको जय स्वामीनारायण, नमस्कार। Thank you.